ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रही हूं कि साल 2022 में भाई दूज का त्योहार जो है वो हम किस दिन मनाने जा रहे हैं। इस बार देखिए, अन्य सालों से थोड़ा बदलाव है। भाई दूज के त्योहार के दिन को लेकर थोड़ा सा संशय बना हुआ है, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है 25 अक्टूबर को, जिसकी वजह से गोवर्धन पूजा हम एक दिन बाद करेंगे। तो भाई दूज का जो त्योहार है वो हम किस दिन मनाएंगे? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि में भाई दूज का त्योहार हम मनाते हैं। तो द्वितीया की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, दो दिवसों में तिथि बीत रही है, तो किस दिन हमें भाई दूज का त्योहार मनाना चाहिए, जो शुभ मुहूर्त है टीका का, तिलक लगाने का, वो शुभ मुहूर्त क्या है। भाई दूज में तिलक लगाने का बहुत महत्व है, उसका मंत्र होता है, वो मंत्र क्या है, उस वक्त हमें किस मंत्र का जप करते रहना चाहिए, और जो पूजा का विधान है, तिलक लगाने की विधि है, वो किस प्रकार से होनी चाहिए, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे घर में भाई दूज का त्योहार भाई बहन के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है, जिस प्रकार से रक्षाबंधन का त्योहार रखता है। इस बार जो भाई दूज का त्योहार है वो दो दिवसों में मनाया जाएगा। देखिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लग रहा है, इसलिए गोवर्धन पूजा भी हम 26 अक्टूबर को कर रहे हैं, जो कि प्रतिपदा की तिथि में होती है। हालांकि प्रतिपदा की तिथि भी दो दिनों में बीत रही है, उसी प्रकार दूज की जो द्वितीया की तिथि होती है वो भी दो दिनों में बीत रही है, 26 अक्टूबर को और 27 अक्टूबर को। तो जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो कई जगहों पर 26 अक्टूबर को भी भाई अपने बहनों को तिलक करेंगी, टीका लगाएंगी, भाई दूज का त्योहार मनाएंगी, और कई जगहों पर 27 अक्टूबर को भी भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हम मनाते हैं, और इस मौके पर जो ये मौका विशेष होता है, भाई दूज के दिन, भाई दूज के मौके पर बहन अपने भाई के माथे पर टीका करती है, आरती उतार कर उनकी लंबी आयु की कामना करती है। और ये प्रथा दोस्तों सदियों पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि दूज के दिन बहनों के घर जाकर भोजन करने से भाई की उम्र बढ़ती है और यमराज का भय उन्हें नहीं सताता है, क्योंकि इस दिन यमराज ने अपनी बहन यमुना को ये आशीर्वाद वरदान दिया था कि आज के दिन कोई भी अपने भाई को अपने घर बुलाकर भोजन कराएगा उसे उनका डर नहीं सताएगा। तो आगे मैं शुभ मुहूर्त और तिलक करने की सही विधि भी आपको बता दूं। सबसे पहले आपको बता देती हूं कि द्वितीया की जो तिथि है वो कब से कब तक बीत रही है। तो दोस्तों, द्वितीया की जो तिथि है वो प्रारंभ होगी 26 अक्टूबर को दोपहर में 2:42 पर, और द्वितीया की तिथि समाप्त होगी 27 अक्टूबर को दोपहर में ही 12:45 पर। और यही कारण है कि दोनों दिवसों में भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। तो आपके क्षेत्र में जिस दिन भी मनाया जा रहा है आप मना सकते हैं। मैं दोनों दिन के शुभ मुहूर्त, टीका का जो शुभ मुहूर्त है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो 26 अक्टूबर को भाई दूज का त्योहार मनाएंगे उनके लिए जो समय है वो समय होगा 1:12 से, दोपहर का ये समय होगा 3:27 पर, 2:14 की ये समय अवधि है, एक लंबी समय अवधि है। तो इस बीच आप भाई दूज का त्योहार मना सकते हैं। दूसरा, जो लोग 27 अक्टूबर को करेंगे, देखिए उन्हें 12:45 के पहले टीका कर लेना होगा, तो उनके लिए जो समय अवधि होगी वो होगी 12:14 से 12:47 तक। ये आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा का समय है, 33 का। इसी समय आपको तिलक की जो विधि है, टीका करते हैं, भाई को भोजन कराते हैं, वो आपको पूजन के बाद कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, जो तिलक लगाने की विधि होती है, देखिए इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को पहले से आमंत्रण देती हैं कि आज उनके घर आए और भोजन करें। तो इस दिन आपको सबसे पहले सुबह स्नान वगैरह करके शुद्ध नए वस्त्र पहन लेने चाहिए, उसके बाद भगवान की पूजा आराधना करें, और उसके बाद भाई के तिलक के लिए आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। आप एक थाल सजा लें, उसमें आप थाली में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फूल, जो भी मिठाई आप रखना चाहते हैं, अक्षत, सुपारी जरूर रखें। देखिए, इसमें चौक लगाकर कई जगहों पर पूजा होती है, तो चावल के आटे से आप चौक पूर सकते हैं, और उसी में आपको चौक पर आपको एक पाटा लगा करके भाई को उसी में बिठाना है, और उसके बाद उनका पूजन करना है, जिस प्रकार से हम रक्षाबंधन में करते हैं। तिलक करना है सबसे पहले, और इसके बाद में आपको भाई को फूल, पान, सुपारी, बताशे, मिठाई, ये सब
देना है, उनके हाथ में आप दे सकते हैं और उसके बाद उनकी आरती आपको उतारनी है। भाई को अपने हाथों से आप मिठाई खिलाएं और उसके बाद पूरा जो खाना आपने उनके लिए भोजन बनाया है वो आपको उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाना चाहिए। तो तिलक लगाने की यही विधि होती है दोस्तों। इसे देखिए, एक तिलक लगाते समय भाई दूज का जब आप टीका करते हैं तो एक मंत्र है जिसको बोलते रहना चाहिए। जो मंत्र है वो मंत्र इस प्रकार से है, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप फले फूले बढ़े। तो इस प्रकार से बोलते हुए आपको तिलक करना चाहिए अपने भाई को। कई स्थानों पर नारियल हाथ में देकर के तिलक करने का रिवाज है, जिस प्रकार से रक्षाबंधन में हम करते हैं। कई जगहों पर सुपारी, मिठाई, फूल वगैरह, अक्षत देकर भी आप तिलक कर सकते हैं। तो जैसा आपके घर का विधान है आप उसी प्रकार से ये करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों भाई दूज के दिन आप भाई को तिलक करेंगी और उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगी। इस बार जो समय में बदलाव है, दोनों दिन की शुभ मुहूर्त है और जो पूजा की विधि है, तिलक लगाने की विधि है, वो मैंने आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।